हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सभी शानदार, जानदार, जबरदस्त होंगे। थंबनेल आप सबने देख लिया होगा। और बिल्कुल आप सभी के लिए एक बेहतरीन खुशखबरी लेकर आया हूँ मैं, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की डेट घोषित हो चुकी है। ये खुशखबरी प्रत्येक बच्चे, प्रत्येक टीचर, प्रत्येक गार्जियन के लिए भी है, क्योंकि आपको प्रिपरेशन करने के लिए एक राइट डायरेक्शन पे वर्क करना पड़ेगा, और एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपको पहले से एक प्लान भी मिल जाएगा। क्योंकि कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने यूपी बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th और 12th वाले बच्चों की ऑफिशियली डेट घोषित कर दी है। अब आप अपना सभी बच्चे टाइम टेबल बना लीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। और टाइम टेबल के बाद क्या ना, कई बच्चों को तैयारी करने में बड़ा जोश आ जाता है, बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि भाई एक डेट घोषित हो गई। अब इस डेट से हमें प्रिपरेशन करना, किस किस सब्जेक्ट में कितना कितना टाइम देना है, ये सब आप डिसीजन ले लीजिए और फटाफट ले लीजिए, क्योंकि काफ़ी पर्याप्त टाइम दिया है यूपी बोर्ड वालों ने। तो भाई थैंक यू यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद का कि बच्चों को इतना आपने पर्याप्त टाइम दे दिया। अब ये गुड न्यूज़ काफ़ी सारे बच्चों के लिए है भी, और कुछ जिनकी तैयारी अब बहुत अच्छी चरम पे पहुंच चुकी थी, तो उन बच्चों के लिए भी गुड न्यूज़ है। क्योंकि बहुत से बच्चे सोचते हैं ना कि भाई डेट बढ़ गई है ना, हमारी तो तैयारी हो चुकी थी। तो भाई आप तैयारी हो चुकी, रिविज़न रखिए है ना, और जिनकी तैयारी अभी कुछ कमी रह गई थी तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। देखिए, सर्वसाधारण के सूचनार्थ विज्ञापित है एवं प्रसारित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा वर्ष 2025 का परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा एक साथ 24 फरवरी 2025 से क्या हो जाएंगी, प्रारंभ हो जाएंगी। और साथ ही साथ हमारी ये जो परीक्षाएं हैं 12 मार्च तक चलने वाली, यानी कि ये परीक्षाएं हमारी 24 फरवरी 2025 से 12 मार्च 2025 तक चलने वाली हैं। तो लगभग मेरे ख्याल से 25, 26, 27, 28, 29, 5, 12, लगभग 17 दिनों तक चलने वाली है ये आपकी परीक्षाएं। एक्चुअली ये ऐसा भी हुआ है डेट बढ़ाने का, क्योंकि कुंभ जो मेला आ रहा है ना हमारे यूपी में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, एक बहुत बड़ा मेला है, आप सभी जानते हैं, उसके बारे में बताने की आवश्यकता है नहीं। बस उसी के मद्देनज़र थोड़ा सा डेट एक्सटेंड की जाए कर दी गई है। अब देखिए, ये रहा कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा। इसी चीज़ का तो सभी बच्चों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। सबसे पहला हिंदी का पेपर है आपका 24 फरवरी को, मैन क्लास 10th की बात करता हूँ मैं, और 12th वालों का भी हिंदी का पेपर है 24 फरवरी को। वैसे प्रायः 10th वालों का जो पेपर होता है वो फर्स्ट शिफ्ट में होता है 8:30 से 11:45 तक, और प्रायः 12th वालों के जो पेपर होते हैं वो सेकंड शिफ्ट में होते हैं। मैं मैन मैन क्लास 10th के पेपरों के बारे में बात करूं तो 1 मार्च को हमारे गणित का पेपर है भाई। ये रहा हमारा गणित का पेपर 1 मार्च शनिवार के दिन। क्लास 10th जो मैथ है उसका क्रैश कोर्स मैंने अपलोड कर दिया, 14 वीडियो में आप अपना क्रैश कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, जिसकी डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दे दी है। ठीक है, क्रैश कोर्स 14 वीडियोस है, मात्र 14 वीडियो एक एक घंटे की, आप देख लीजिए, आपके क्लास 10th की मैथ कंप्लीट हो जाएगी। मैं गारंटी लेता हूँ 90+ मार्क्स की, 100% गारंटी लेता हूँ। आप क्रैश कोर्स वाली वीडियोज़ को देख लीजिए, पढ़ के जाइए, आपके 90+ 100% आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 3 मार्च को संस्कृत का एक ये रहा मेन पेपर विज्ञान का, 4 मार्च को। ठीक है, इसके बाद मैं मेन मेन पेपर बता रहा हूँ, अंग्रेजी का आपका 7 मार्च को पेपर, और गृह विज्ञान वालों का 8 मार्च को पेपर, कंप्यूटर वालों का भी हमारा 8 मार्च को सेकंड शिफ्ट में, और सोमवार को 10 मार्च को हमारे चित्रकला का है, सामाजिक विज्ञान का 11 मार्च को है, बहुत टाइम मिला 11 मार्च तक, और भी ये सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ऐसे ही 12th वालों का भी देखते हैं, 12th वालों का
गणित का पेपर देखते हैं, क्योंकि मेन सब्जेक्ट तो मेरा गणित है। मैं तो गणित को टारगेट करता हूँ, मैं गणित को देखता हूँ, बाकी आप लोग देखते जाइए। ये रहा गणित का, क्लास 12th वालों के गणित का जो पेपर है वो हमारा 3 मार्च को है। कब है? 3 मार्च को। और देखिए एक बात आप सभी को देख लेना है, इस बार एक ट्विस्ट हो गया मैथ में। मैथ में ट्विस्ट ये है कि 3 मार्च को तो पढ़ रहा है, लेकिन जो गणित का पेपर है वो फर्स्ट शिफ्ट में, जीव विज्ञान का भी फर्स्ट शिफ्ट में। तो जरा ध्यान रखिए इस चीज को आप सभी। 3 मार्च को पहली बार फर्स्ट शिफ्ट में, वैसे हुआ होगा पहले भी, लेकिन प्रायः सेकंड शिफ्ट में होता था 12th का पेपर। ठीक है, तो ये रही डेट शीट, आप सभी के लिए गुड न्यूज है। तो इसके हिसाब से आप तैयारियां शुरू कर दीजिए, पर्याप्त टाइम है आपको। दिसंबर जनवरी के हिसाब से जोड़ा जाए तो पर्याप्त आपको 60 से 70 दिन आराम से मिल गया है। तो आप आराम से तैयारी कीजिए, ठीक है, और चैनल से हमारे जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन पे बहुत सारी लिंक दी गई हैं। क्लास 10th 12th की मैथ को हम ज़्यादातर टारगेट करते हैं, स्पेशली उन्हीं की प्रिपरेशन कराते हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड लक। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए।